तो एकल हनुमान के रूप में हम सभी को ये संकल्प लेना है कि जो हमारा एकल अभियान है वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे। मुझे अकेले ही नहीं, एकल हनुमान बनाया है इन्होंने, आप सबको हनुमान बनाया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, वहां तक व्यक्ति पहुंचे, उसके लिए काम हो रहा है। तो सच मानिए तो एकल जो हमारा विद्यालय अभियान है वो अभियान हमारा अंत्योदय के सिद्धांत को पूरा करता है, अंत्योदय के सिद्धांत पर चलता है। और ऐसे बच्चे जो निराश्रित हैं, जो वंचित हैं, छूटे हुए हैं, जिनके माता पिता जिनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाते, विद्यालयों तक नहीं भेज पाते, उन सबको एकल विद्यान अभियान के माध्यम से उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, उनको शिक्षा देने का काम, उनको प्रेरणा देने का काम एकल विद्यालय के माध्यम से होता है, एकल विद्यालय अभियान के माध्यम से होता है। क्योंकि मैं लंबे समय से एकल विद्यालय के साथ जुड़ा हूँ, अभी स्नेहपाल जी वहाँ पर थे, तो बचपन से हम लोगों की एक अनेक स्मृतियाँ आदरणीय स्नेहपाल जी के साथ रही हैं, पूरे अभियान के साथ रही हैं। इसलिए मैं आप सब से कहना चाहूँगा कि हम सब लोग माँ गंगा के तट पर, जहाँ इन्होंने मुझे अभी कौन सा हनुमान बनाया, एकल हनुमान बताया है, तो एकल हनुमान के रूप में हम सभी को ये संकल्प लेना है कि जो हमारा एकल अभियान है वो गांव-गांव तक पहुँचे, घर-घर तक पहुँचे, कोई भी इससे न छूटे, ये संकल्प हम लोग आज जरूर लें। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैं ही नहीं, मुझे अकेले ही नहीं, एकल हनुमान बनाया है इन्होंने, आप सबको हनुमान बनाया है। मुझे यहाँ पर एक आप सबके प्रतिनिधि के नाते यह कहिए कि मैं मुख्य सेवक हूँ, तो मुझे श्रद्धेय स्वामी जी ने, महाराज जी ने मुझे गदा दी है, इसका मतलब ये गदा और ये संकल्प आप सबको दिया है, इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूँ।